हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग को एनएससी आईटी का पेपर देना है, ये पेपर किस चीज़ के लिए होता है, क्यों हम लोग देते हैं, क्या इसकी फीस लगेगी, कहां से हम लोग को पढ़ना है और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है और पेपर का सेंटर कैसे सेलेक्ट करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। एनएससी का जो पेपर होता है वो ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए होता है। ऑपरेटर और सुपरवाइजर होता है, हम लोग आधार में बनते हैं। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, आप जब आपका स्कोर अच्छा होता है, अबव 75 होता है तो आप सुपरवाइजर बनते हैं, और अगर आपका स्कोर थोड़ा लो होता है लेकिन अबव 62 के ऊपर होता है तो आप ऑपरेटर बनते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिससे आप सुपरवाइजर बने। सुपरवाइजर और ऑपरेटर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि अगर आप ऑपरेटर बनते हैं तो आप किसी सुपरवाइजर या किसी यूआईडी के सेंटर पे आधार बनाने का काम कर सकते हैं, लेकिन आपको यूआईडीएआई की ओर से आधार का पोर्टल नहीं मिलता है। मान लीजिए आप जन सेवा केंद्र चलाते हैं या आधार की सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको वो आधार का काम अलॉट नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक एनएससीआईटी में ऑपरेटर के सर्टिफिकेट के लिए ही क्वालिफाई करा है। लेकिन आप अगर सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आपको आधार सेंटर से आधार की सर्विस अगर अप्लाई करते हैं तो वो अलॉट हो सकती है। तो अब मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, आपको कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे इसके एनएससीआईटी में रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे uidai.nscitexam.com, ये URL मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके भी इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि लॉगिन का ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको क्रिएट न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आएगा जिसमें आपको अपलोड एक्सएमएल फाइल का ऑप्शन दिया गया है, ये देख सकते हैं। ये आधार की एक्सएमएल फाइल अपलोड करने के लिए कहा गया है। इस फाइल को अपलोड करने के लिए वापस से हम लोग को होम पे आना होगा। तो ये होम बटन आप देख सकते हैं, आप इस होम बटन पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे आने के बाद फिर से इसी पेज पे आएंगे और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो नीचे आप देखिए कुछ कंटेंट दिया गया है, ये देख सकते होंगे आप। और कैंडिडेट मस्ट हैव आधार पेपरलेस ई केवाईसी एक्सएमएल, जिसकी बात अभी मैंने आपको दिखाया, यूज़र क्रिएट न्यू यूज़र में जो करी गई है बात एक्सएमएल फाइल की, वो ये वाली फाइल की है। तो ये URL दिया गया है यहाँ, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आधार की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। आधार डाउनलोड करना होगा जो कि एक एक्सएमएल फाइल होती है, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, जो सिक्योरिटी कैप्चा कोड दिया है इंटर करेंगे और सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चली जाएगी। तो ये जो स्क्रीन देख रहे हैं OTP यहाँ आप डालेंगे जो आपके मोबाइल में रिसीव हुई है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अ शेयर कोड फॉर योर पेपरलेस ऑफलाइन KYC। तो आप यहाँ कोई भी कोड बना सकते हैं, जैसे 4 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जहाँ यह मैंशन है कि क्रिएट अ शेयर कोड ऑफ 4 कैरेक्टर्स टू सिक्योर योर पेपरलेस ऑफलाइन EKYC। तो आप यहाँ 1234 या 4281 या 7689, तो आपको जो सेफ लगे वो 4 नंबर आगे पीछे करके आप बना सकते हैं। जो भी आप बनाएंगे वो इस EKYC XML फाइल के साथ अटैच हो जाएगा। डाउनलोड क्लिप करते ही देखेंगे इस तरह से ऑफलाइन आधार और ZIP फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप अपने किसी एक फोल्डर में रख लें। इसके बाद वापस से हम लोग इसी पेज पर आएंगे और क्रिएट न्यू यूज़र के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस से हम लोग क्रिएट न्यू यूज़र के पेज पर आएंगे, जहाँ पर हम लोग चूज़ फाइल करके जो ZIP फाइल अभी डाउनलोड करी थी उसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से चूज़ फाइल सेलेक्ट करेंगे, ये फाइल रखी थी इसको सेलेक्ट करेंगे और ये वापस से अपलोड हो जाएगी। अपलोड के बाद अपलोड का जो बटन आ रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। XML फाइल अपलोड सक्सेसफुली का देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, आप यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे यहाँ शेयर कोड पूछा गया है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो आपने जो शेयर कोड अभी बनाया था डाउनलोड करते समय वो शेयर कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए डेटा एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया, आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया है वैलिडेट करने के लिए, आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और देखिए मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद सेंड मोबाइल OTP करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP चली जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP करना होगा। तो ये OTP आ गई है, वेरीफाई OTP करेंगे तो इस तरह से यहाँ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन और आ जाएगा, जहाँ आप कंसर्न देकर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद आप अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे जो आप करंटली यूज़ करते हो, वो ईमेल आईडी डाल के आप यहाँ पे शो XML कंटेंट कर देंगे। शो XML कंटेंट करते ही आप देखेंगे कि आपका आधार पे जो फ़ोटो लगा हुआ है, जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको एक पॉपअप में शो होने लग जाएगी, जिसको आपको कंफर्म या कैंसिल का 2 ऑप्शन आए हैं करना होगा। मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, लेकिन आप जब शो XML कंटेंट करेंगे तो आपको अपना डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये जो नीचे 2 ऑप्शन देख सकते हैं आप कंफर्म का, आप इस पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद योर यूज़र आईडी
ये यूज़र आईडी आपको मिल जाएगी जिससे आपको लॉगिन करना होगा और एक पासवर्ड भी मिल जाता है जो आप डाल के लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे ऑप्शन दिया है प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करके वापस से अपनी होम स्क्रीन पे आ जाएंगे जहां से आपको लॉगिन करना होगा। तो इस स्क्रीन पे आने के बाद अब आप वही यूज़र आईडी जो आपने अभी देखी थी आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यहां पे डालेंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, तो जो पासवर्ड आपको अभी मिला था वो ओल्ड पासवर्ड यहां डालेंगे, न्यू पासवर्ड एक क्रिएट करेंगे जो कि सिक्योर होना चाहिए जिसमें अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होने चाहिए, कंफर्म करेंगे पासवर्ड। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसके बाद देख सकते हैं एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको चूज़ करना होगा कि इन विच सिटी यू आर बॉर्न, बर्थ, कलर, आपका जो इसमें भी सही लगता हो जो आप सेलेक्ट करते हो और भी वेबसाइटों के लिए आप कोई इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और उसी के हिसाब से आपको एक आंसर भी देना होगा। वो आंसर आप डालेंगे उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आ गया है पॉपअप योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप इस पोर्टल में लॉगिन हो गए हैं। सक्सेसफुल होने के बाद आप देखेंगे एक तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे लेकिन आपको सारी फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पे नहीं दिख रही, सिर्फ यहाँ पे होम का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपका UID नंबर आ रहा है, साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे एक कंसर्न का ऑप्शन दिया गया है, कंसर्न करने से पहले और इसको कंटिन्यू करने से पहले आप ये जो डेटा है आप पढ़ ले, ये आधार के बारे में और जो फोटो अपलोड और प्रोफाइल को अपडेट करना है उसके बारे में। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे आपकी प्रोफाइल अपडेशन के लिए आ जाएगी जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करनी होगी, यहाँ आपकी आधार पर जो फोटो होगी वो शो होने लग जाएगी, मैंने उसको ब्लर कर दिया है, आपका UID नंबर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बेसिक डिटेल भरनी है, तो बेसिक डिटेल में आप देख सकते हैं एजुकेशनल डिटेल पूछी गई है, तो आप ड्रॉपडाउन में ऑप्शंस है आप क्लिक करेंगे और इसमें आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ एग्जाम पूछा गया है, तो इसमें देख सकते हैं दो ऑप्शन दिए हैं UID सर्टिफिकेशन फॉर ऑपरेटर सुपरवाइजर और ऑपरेटर चार एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। अगर आप सिर्फ बच्चे का आधार बनाना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन है, अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं जिसमें सब कुछ बना सकते हैं भाई बच्चे का हो चाहे बड़े का हो, तो आप UID सर्टिफिकेशन फॉर ऑपरेटर सुपरवाइजर करेंगे, क्योंकि आप CSCVLE हैं जनसेवा केंद्र चला रहे हैं तो आप पहले ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्ज़ाम लैंग्वेज, तो आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वैसे तो वहाँ पे सेंटर पे दोबारा से पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से जो आपकी कन्वीनियंट लैंग्वेज हो जिसमें आप आराम से पेपर दे सकते हो आप उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड, एनरोलमेंट एजेंसी कोड में आप यहाँ CSC e-Government सारे ऑप्शन में से ढूंढ के सेलेक्ट कर लेंगे। अगर CSC e-Government सर्विस लिमिटेड का ऑप्शन है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, अगर वो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा तभी आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड में आपको CSC e-Government सर्विस लिमिटेड का ऑप्शन मिल रहा है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, वरना आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार नंबर आपका ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगा यहाँ पे, और पर्सनल डिटेल में भी आपकी कुछ डिटेल फिल होके आ जाएगी जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, email ID और मोबाइल नंबर जो कि आपने पहले ही डाला था। स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देख सकते प्रिफर्ड टेस्ट स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सारे स्टेट आ रहे होंगे, आपका जो भी स्टेट हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे, उस स्टेट में किस सिटी में आप बिलोंग करते हैं या किस सिटी में आप पेपर देना चाहते हैं करेंगे। उसके बाद प्रिफर टेस्ट सेंटर नेम सेलेक्ट करेंगे, तो आपके शहर में जितने भी सेंटर्स होंगे उन सब के ऑप्शन ये लास्ट वाले, आप उसमें से कोई भी एक सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके। उसके बाद आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू का है, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा प्रीव्यू आ जाएगा जो जो आपने चीज़ें अभी इससे पहले वाले स्टेज में भरी थी, सारी चीज़ें ओके होंगी तो आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर आपको डाउट है कोई चीज़ गलत है तो आप यहाँ एडिट का ऑप्शन ये फ़ोटो के ऊपर दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पे नीचे ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे नीचे डिक्लेरेशन का एक फॉर्म एक्टिव हो जाएगा जहाँ पे आपको कंसर्न देना होगा और वापस से सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से करना होगा और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वापस से आपके सामने फिर इसी तरह का पेज दोबारा से शो होगा। तो यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल सबमिट हो चुकी है, अब आपको आना है पेमेंट पे। आप ऊपर देखेंगे ये पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दो पेमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑलरेडी पेड का ऑप्शन, तो आप ऑनलाइन पे क्लिक करके प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। योर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑन सक्सेसफुली पेमेंट ऑफ द फी, तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है लेकिन सक्सेसफुल सबमिट करने के लिए आपको फ़ी ज़रूर पे करनी है, तो अपना प्रोफाइल अपडेट करने के बाद फ़ी तुरंत पे कर दे। आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, ओके करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे जिसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको यहाँ कार्ड की डिटेल, मंथ एक्सपायरी ईयर
सीवीवी नंबर और जिसके नाम पे कार्ड है वो डाल के आप पे नाउ करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग है नेक्स्ट ऑप्शन, आप इंटरनेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है भीम यूपीआई, तो मैं इसमें आप डायरेक्टली इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करूंगा। और पेमेंट करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट हो गया है, पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट होते ही आप वापस से लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ वापस से आपको अपनी यूआईडी जो नंबर मिला था, यूज़र आईडी वो डालेंगे, और जो पासवर्ड था जो आपने चेंज करके नया बनाया था वो डाल के साइन इन करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह से नोटिफिकेशन आता है साइन इन करने पे कि आर सेशन इज़ ऑलरेडी एक्टिव फॉर द यूज़र, प्लीज़ क्लिक हेयर टू साइन आउट एंड री लॉग इन, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर का जो ये ब्लू कलर का ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप अपने सेशन से साइन आउट हो जाएंगे और दोबारा से लॉग इन के पेज पर आ जाएंगे। फिर से आपको लॉग इन करना होगा। तो ये देखिए वापस से आ गए, साइन इन करते ही आप इस पेज पे वापस से आ जाएंगे। आप पेमेंट पे आएंगे और देखिए आप दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन है, आप ऑनलाइन पेमेंट है अगर आप करेंगे तो देखिए एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट, तो इस तरह से फिर से पॉपअप आएगा। लेकिन आप जब ओके करेंगे तो ये बताएगा कि पेमेंट ऑलरेडी डन का मैसेज आ जाएगा। तो ये देखिए पेमेंट बता रहा है, फिर से आपको करना है, आप ओके करेंगे तो देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, योर प्रीवियस पेमेंट ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस, वेट टिल फर्दर कन्फर्मेशन, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो आप दोबारा से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब सीट बुक करने का ऑप्शन जो है वो पेमेंट करने के 10 से 15 घंटे बाद आता है, तो आप सिंपली इस वेबसाइट से लॉग आउट हो जाइए और 10 से 15 घंटे बाद दोबारा से लॉग इन करिएगा। अब मैं आपको 10 से 15 घंटे बाद दोबारा लॉग इन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका सीट बुक का एक ऑप्शन आ जाएगा और ये पेमेंट का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने 15-20 घंटे बाद दोबारा से इसको लॉग इन करा है, या आप हो सके तो अगले दिन लॉग इन करिएगा। तो देखिए यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन हट गया, अब ये सीट बुक का ऑप्शन आ रहा है और मॉक एग्ज़ाम का ऑप्शन आ रहा है। और जो आपने पेमेंट करा है उसकी हिस्ट्री भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मॉक एग्ज़ाम एक तरह का रिहर्सल एग्ज़ाम होता है, लाइव एग्ज़ाम जैसे, आप बार बार टेस्ट कर सकते हैं मॉक एग्ज़ाम देके। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इससे आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में किस तरह से एग्ज़ाम देना है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मॉक एग्ज़ाम ज़रूर दे अपनी सीट बुक करने के लिए, पेपर देने के लिए। बुक सीट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने इस तरह से पेज आएगा जिसमें आपकी सिटी पहले से सेलेक्ट आ रही होगी और सेंटर का नेम भी सेलेक्ट आ रहा होगा। एनसीईआरटी के सेंटर अभी बहुत कम है, तो हो सकता है कि आपके शहर में जो आपको सीट अवेलेबिलिटी मिले वो हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या एक महीने बाद की मिले। तो जो भी सीट आपको मिले आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आप आगे जब प्रोसीड करेंगे जो सीट आपको मिलेगी आप उसको बुक कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं अपनी टेस्ट की डिटेल बदलना तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप यही टेस्ट डिटेल चाहते हैं तो आप इसको चेक नहीं करेंगे। चेंज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप चेंज कर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेस्ट सेंटर चेंज हो रहा है और ऊपर जो सिटी का ऑप्शन है आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आप सिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें। मुझे इसको चेंज नहीं करना है तो मैं इसको एज इट इज़ लीव कर दूंगा। तो यहाँ पे आपकी अवेलेबल डेट्स आएगी, मैंने सेलेक्ट कर ली है इसलिए वो यहाँ पे शो कर रहा है। और देखिए जब भी आप कोई डेट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें दिखाएगा किस दिन की डेट है, कौन सा डे है, स्टार्ट टाइम क्या है, ड्यूरेशन कितने देर का है और कितनी सीटें अवेलेबल है। अगर आपको बुक करनी होगी तो आप यहाँ बुक पे क्लिक करेंगे। अगर कोई दूसरी डेट अवेलेबल आ रही होगी तो आपको यहाँ इस डेट के ऑप्शन पे क्लिक करके वो दूसरी डेट सेलेक्ट करनी होगी अगर आपको इस दिन टाइम नहीं है पेपर देने का। तो ये देख सकते हैं कई सारी डेट्स आ रही हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट डेट हो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर डेट अवेलेबल होगी, स्लॉट अवेलेबल होगा इस सेंटर के लिए, इस शहर में, इस स्टेट में, तो आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखेगी, वरना इस तरह से आ जाएगा नो स्लॉट्स अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड क्राइटेरिया। तो आपको एक डेट ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें अवेलेबिलिटी शो हो, तो आप एक एक दिन बढ़ाते जाइएगा तभी आपको पता चलेगा किस दिन की डेट में अवेलेबिलिटी एग्ज़ाम देने की है। तो आप यहाँ पे बुक पे क्लिक करेंगे, सीट को कन्फर्म करने के लिए आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, आप टाइम भी देख लेंगे कि किस टाइम पर ये पेपर होना है। तो यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, सीट देखिए कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड अ सीट। तो सीट बुक होने के बाद यहाँ क्लोज का ऑप्शन है, आप क्लोज कर देंगे। सीट बुक करने के बाद देखिए यहाँ से सीट बुक का ऑप्शन भी चला गया है। अब यहाँ पे व्यू एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ गया है, आप व्यू एडमिट कार्ड करेंगे जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं। इस एडमिट कार्ड में आपके पूरे सेंटर की डिटेल, क्या अमाउंट आपने पे करा, किस दिन के लिए एग्ज़ाम आपने सेलेक्ट करा है, क्या डेट है, क्या एड्रेस है सेंटर का, वो सारी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे ये सिग्नेचर का है, कैंडिडेट सिग्नेचर, आप इस पर सिग्नेचर करेंगे और अपना एक आईडी प्रूफ, आधार या पैन कार्ड साथ में लेके सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये एक सैम्पल सर्टिफिकेट है कि जो आपको पेपर देने के बाद, मैं बता देता हूँ इसका जो सर्टिफिकेट है, आप जैसे पेपर क्लियर कर लेते हैं आपको ये सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता है। उसी वक्त वो मोहर लगा के आपका जो भी नंबर होता है वो आपको सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड
पेपर कंप्लीट होने के 2 मिनट बाद ही दे देते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि आपके पास ईमेल पे, जैसे मैंने IIFBF का आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में URL है, अगर आप IIFBF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पेपर देना चाहते हैं। IIFBF का रिजल्ट 35 से 45 दिन के बाद आपके ईमेल पे सर्टिफिकेट भेजा जाता है, लेकिन NSCIT में आप तुरंत पेपर देंगे और 2 मिनट बाद ही आपको पेपर का रिजल्ट मोहर लगा के, जिस सेंटर से आप पेपर देते हैं उस सेंटर की वो मोहर लगा के आपको हैंड टू हैंड अपना आपका सर्टिफिकेट दे देते हैं। जब आप पेपर दे लेते हैं और आपको रिजल्ट मिल जाता है तो यहाँ पे आपको माई स्कोर कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपका स्कोर कार्ड दिख जाता है कि आपने कितने क्वेश्चंस में से कितने सही आंसर दिए, तो वहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो यहाँ पे बाद में आपको शो भी करता है। उसके बाद मॉक एग्जाम पे आ जाएंगे, जो बहुत ही जरूरी है एग्जाम देने से पहले आप मॉक एग्जाम जरूर दीजिएगा। मॉक एग्जाम आपके रियल एग्जाम की तरह ही पूरा स्ट्रक्चर करा गया है, जिसमें आपको बताया गया कि 110 क्वेश्चन है, क्या ड्यूरेशन है, कितने परसेंट पे पास होना है, कितने पे फेल है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट से कह सकते हैं किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट मॉक टेस्ट ऑपरेटर सुपरवाइजर का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक रियल टाइम आपको एनवायरनमेंट मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। इसी तरह से आप जब सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ भी ऐसे ही सेम टू सेम आपको एनवायरनमेंट मिलेगा फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप मॉक एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ऑप्शन कब आपको सेलेक्ट करना है और क्या ऑप्शन आपको नहीं सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से टाइम चलेगा, लेफ्ट हैंड पर सारे क्वेश्चन के नंबर आ रहे हैं, नॉट अटैम्प्ट ग्रे, ग्रीन, येलो, नॉट अटैम्प्टेड अटेम्प्टेड मार्क या रेड कलर से। अगर क्लियर करना होगा तो क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देंगे, और अगर टिक करके सबमिट करना होगा तो आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम है, आप दे लेंगे जब एक दो बार मॉक टेस्ट, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया है मेरा रिजल्ट आ गया है। अब उसके बाद मैं दोबारा से आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि अब लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या इंटरफेस मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। पेपर देने के बाद मैं साइन इन करके आपको दिखा रहा हूँ, मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो अब आप अपने सामने स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ जो मॉक टेस्ट का ऑप्शन था अप्लाई करने के बाद वो नहीं आ रहा है, बुक सीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब सिर्फ ऑप्शन आ रहा है सर्टिफिकेट का और माय स्कोर कार्ड का, और ये पेमेंट हिस्ट्री का आ रहा है। ये तो ऑप्शन मैं आपको पहले दिखाई चुका हूँ। तो अब माय स्कोर कार्ड पर जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह से आ जाएगा, एक पेपर दिया गया है, सेक्शन नेम आ जाएगा, UID सर्टिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर सुपरवाइजर सेक्शन, और मिनिमम मार्क्स दिए हैं 110 मार्क्स, और ये मार्क्स जो भी आपने स्कोर करा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ शो हो जाएगा, इस तरह से सर्टिफिकेट होगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम के लिए NSCIT सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना कहाँ से है। उसके लिए आपको ये साइन आउट का ऑप्शन है, आप यहाँ साइन आउट करेंगे और वापस से इसी पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑप्शन H नंबर पर दिया है, कैंडिडेट मस्ट हैव रीड लर्नर गाइड एंड क्वेश्चन बैंक टेस्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल, और ये URL दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे UIDAI की वेबसाइट पे ले जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो देखेंगे ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जहाँ लिखा है न्यू क्वेश्चन बैंक ऑफ सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम सर्टिफिकेशन, जिसमें 510 क्वेश्चन है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप ये इंग्लिश और हिंदी जिसमें भी आपको कन्वीनियंट हो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इसको डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्टली अब आपको खोल के दिखाऊंगा कि किस तरह का ये क्वेश्चन होता है और कैसे आपको ये पढ़ना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप जब खोलेंगे तो देखेंगे इस तरह से आएगा, आप कोई भी एक डाउनलोड कर लेंगे जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही होते हैं। तो देखिए ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कि किस चैप्टर के बेस से क्वेश्चन है, ये एक बार इंग्लिश में बताया गया होता है, फिर एक बार वही चीज़ हिंदी में लिखी होती है। क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, एक बार वही क्वेश्चन इंग्लिश में है और वही क्वेश्चन एक बार हिंदी में है। उसके बाद इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक सही आंसर होता है, जिसके लिए देखिए एक बार ऑप्शन 1 इंग्लिश में बताया गया, फिर एक बार ऑप्शन 1 हिंदी में बताया गया, इसी तरह ऑप्शन 2 इंग्लिश हिंदी, फिर 3 इंग्लिश हिंदी, फिर 4 इंग्लिश हिंदी, और सही जो आंसर होता है वो नंबर के रूप में यहाँ दिया होता है 2, 4 या किसी का 1। तो अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश वाला ऑप्शन 1 है ये सही है, अगर किसी का 3 है तो इसका मतलब ये है, अगर आंसर में 3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 3 वाला सही है। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना होगा, 510 क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के लिए मैं सिंपल और सही तरीका मैं बता देता हूँ जिससे आप इजीली पढ़ सकते हैं, और आपने मेरा स्कोर कार्ड देखा होगा 105 नंबर मैंने स्कोर करे थे 110 में से। तो सही से पढ़ने का क्या तरीका है, वो तरीका ये है कि आप देख सकते हैं इसमें 510 क्वेश्चन है, आप एक दिन में अगर इसको लेके बैठेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे।
आप जैसे ही NSE के पेपर के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आप ये बना लीजिए कि रोज़ मुझको सिर्फ 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं या 40 क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि आपका पेपर 10 दिन से पहले तो नहीं होगा, लेकिन आप 50-50 रोज क्वेश्चन रोज़ भी पढ़ेंगे तो 50 × 10 अगर करते हैं तो 500 क्वेश्चन आपके 10 दिन में बहुत ईजिली प्रिपेयर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और इसमें 50-50 क्वेश्चन करके आप पढ़ लेंगे तो आपको सही से सारे 510 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, रट जाएंगे आपको 10 दिन के अंदर, और आप इजिली सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे NSEIT से, और उसके बाद आपको ईजिली आधार का काम भी जब अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है और किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है NSEIT के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या एग्ज़ाम को लेकर, तो आप नीचे मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।